जी हाँ दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत खराब होने के बाद रविवार की रात उन्हें देश की राजधानी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में लाया गया। दरअसल आपको बता दें, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक सीने में दर्द की शिकायत के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एम्स में एडमिट कराया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता 87 साल की उम्र के हो चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत खराब होने के बाद रविवार की रात उन्हें देश की राजधानी के दिल्ली के एम्स में लाया गया। एम्स में मनमोहन सिंह को कार्डियो थोरासिक वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उनका उपचार कर रहे हैं। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के करीबी सूत्रों का यह कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है। मनमोहन सिंह के करीबी सूत्रों ने बताया दोस्तों कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में है। एम्स के डॉक्टर मनमोहन सिंह का उपचार कर रहे हैं, और ऐसे में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अस्वस्थ होने की जानकारी के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री कमलनाथ ने उनके स्वस्थ होने की कामना भी की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अस्वस्थ होने की अभी जानकारी मिली है, ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को एम्स में भर्ती कराने के बाद काफी चिंतित हैं वो। अशोक गहलोत ने मनमोहन सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि हमें उम्मीद है कि पूर्व पीएम जल्द ही ठीक होंगे। आपको बता दें दोस्तों, मनमोहन सिंह देश के 13वें प्रधानमंत्री रहे हैं। मई 2004 से लेकर मई 2014 तक लगातार 10 साल तक मनमोहन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। वहीं मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। जून 1991 से लेकर मई 1996 तक मनमोहन सिंह ने देश के 22वें वित्त मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अलावा मनमोहन सिंह आरबीआई के 15वें गवर्नर भी रह चुके हैं। कई जगहों पर नोटों पर उनके सिग्नेचर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों डॉक्टर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को लेकर बड़ी खबर है। उम्मीद आपको जानने मिली होगी। हम सभी भी मिलकर भगवान से, ईश्वर से ये कामना करते हैं कि इनके जल्द स्वस्थ होने की, इनकी सेहत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दिल से लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में इनके बारे में दो विचार जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।